की इस वीडियो में हम आपको पैंट कटिंग बताएंगे बहुत ही इजी से मेथड में। हाँ सो देखिए, उसके लिए हमने जो जो माप लेने हैं वो है लेंथ 35 है, हिप है हमारी 32 है और जो बेल्ट है वो 29 है। सिर्फ इन तीन माप के हिसाब से हम आपको पैंट की कटिंग बताएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम ये निशान लगाते हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। डबल फोल्ड में हमने फैब्रिक को बिछाया हुआ है और जो ओपन हिस्सा है हमारी तरफ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इसको बिछा सकते हो। अब हमने इसकी चौड़ाई लेनी है ऊपर से, सभी साइज के हिसाब से बताएंगे हम। जैसे कि इनकी हिप है, ये हम जो चौड़ाई है वो लेते हैं हिप के अकॉर्डिंग। हिप है 32, उसका फोर्थ हिस्सा करेंगे हो गया 8। यहाँ से किसी की भी कितनी भी हिप हो उसका फोर्थ हिस्सा कर लेना है। उसके बाद आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, किसी का कितना भी साइज हो ऐसे ही लेते हैं। अब हमने जैसे कि 9.5 हो गया हमारा, यहाँ पे 9.5 पे एक निशान और लगा लेना है, इसको सीधा कर देते हैं। ये तो हो गई हमारी चौड़ाई। अब आसन की लेंथ कैसे लेंगे वो चेक करेंगे। तो आसन लेते हैं हम कमर के हिसाब से, यानी के बेल्ट के हिसाब से। तो हमारी बेल्ट है 29, यानी कि 30 लगा के चलो। तो हमारा यहाँ से 1 इंच हमने ऊपर निकालना है इंची टेप को, और जितनी भी जिसकी कमर है उसका फोर्थ हिस्सा करना है। मान लो 7.5 पे हमने निशान लगाया, एक हल्का सा लगा लेना है। 1.5 इंच इसमें भी एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ से, और इस तरीके से सीधा कर देंगे उसको। यानी ये निशान हमने एक खींच लेना है कि कैसे लिया हमने, इसकी चौड़ाई ले लिया है हिप के हिसाब से, हिप का फोर्थ हिस्सा करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा, इसका आसन लिया हमने कमर का फोर्थ हिस्सा करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा। हर किसी का कितना भी साइज हो आपने ऐसे ही फॉर्मूला निकालना है। अब आपने क्या करना है, एक आपने ये ध्यान रखना है कि जब हमने आसन लिया 1 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ निकालना है, तो यहाँ से हम एक बार एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। इस तरीके से हमने चौड़ाई निकाल ली, आसन निकाल लिया। अब हम लेंथ चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारी जो लेंथ है 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के जिसकी जितनी लेंथ है, मान लीजिए 35 है, हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इन निशानों को भी हम एक बार सीधा कर देते हैं यहाँ से। अब ये देखिए, वो निशान हमने मोहरी के लगा दिए हैं, फोल्ड करेंगे वो फैब्रिक भी ले लिया है। अब हम यहाँ से लगाएंगे एक निशान 2.25 पे। ये हमने लगाया है, जो साइज है हमारा बहुत ही कम है। अगर हमारा साइज नॉर्मल होता तो हम 2.5 इंच लगाते हैं, अगर ज़्यादा होता तो 2.75 लगाते हैं, उससे ज़्यादा 3 पे, और ज़्यादा हैवी है तो 3.5 तक भी वो निशान हम लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ से राउंड शेप देनी है, जितना आपने यहाँ पे लिया है उतना ही निशान यहाँ पे लगा के राउंड शेप दे दीजिए। अब हमने इन निशानों का सेंटर चेक करना है। जैसे कि ये हमारा हो गया 12 इंच, तो हाफ हो गया इसका 6 इंच। 6 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे भी हम एक निशान लगा लेते हैं ताकि सामना दिखा सके आप। ये हमारी पेंट का सेंटर हो गया। इस सेंटर से ही हम सभी निशान उठाएंगे। जैसे कि एक हम जो प्लेट का निशान लगाते हैं वो लगाते हैं 5.5 इंच पे। एक निशान हमारा यहाँ पे हो गया, जो 1.5 या 1 इंच साइज के हिसाब से हम यहाँ पे मार देंगे सिलाई इस तरीके से। ये हमारी डर्ट होगी। एक हम निशान लगाते हैं मोहरी का, कि कितनी मोहरी हमने रखनी है। तो इनकी हम ज़्यादा नहीं 6 इंच की ही तैयार रखेंगे। तो दोनों तरफ हमने 3-3 इंच का निशान लिया है। अब आप सोच रहे हो 6 इंच की कैसे तैयार होएगी, 3-3 ही लिया, पूरा सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। तो हम बैक हिस्सा है, जो बैक पार्ट है वो एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जब वो एक्स्ट्रा लेते हैं तो दोनों इक्वल होके 6 इंच की मोहरी हमारी रेडी हो जाएगी।
अब हम इस सेपर पट्टी से यहाँ पे इन निशानों को मिला देते हैं। अगर आपके पास सेपर पट्टी है तो आपको थाइस वगैरह के नाप लेने की जरूरत नहीं है, वरना हम थाई का माप भी लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा ही झंझट हो जाता है। थाई का माप लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये सेपर पट्टी है। अब हम यहाँ से ये निशान भी लगा देंगे, यानी कि ये सेप देनी होती है हमें पेंट को, ताकि आपकी जो पेंट है बिल्कुल कॉर्नर में ना दिखे, हल्का सा राउंड आए आपकी पेंट। अब हम यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। अगर कोई ज्यादा ही फिटिंग में पहनना चाहे, हिप जिसकी ज्यादा हो, फ्रंट में यूं लगे कि आसन ज्यादा बड़ा रहेगा, तो हम हल्का सा यहाँ पे डाउन दे सकते हैं हाफ या पौना इंच का, तो हम इसमें नहीं दे रहे क्योंकि ये स्ट्रेट ही है। अब हमने बैक पैनल भी कट कर लेना है। यहाँ पे हमारा फ्रंट पीस कट चुका था, अब हमने बैक पीस कट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 इंच पे सेंटर लगाएंगे और बेल्ट कट करेंगे। तो हमारे पास ये फैब्रिक बच गया। यहाँ से 12 या 13 इंच की आपको कितनी लंबी पॉकेट चाहिए उस तरीके से आप ले सकते हो। 12.5 पे हमने, अब यहाँ से जैसे हम कट कर सकते आपका, इसमें हम ये पॉकेट जोड़ लेंगे। आप चाहो तो दोनों तरफ लगा सकते हो, या फिर चाहो तो एक तरफ आप लगा सकते हो। हम कुछ इस तरीके से इसको लगाते हैं, ऊपर से 2.5 इंच छोड़ दिया, 5 या 6 इंच का जितना भी आपको होल चाहिए उतना छोड़ के आप लगा पाओगे। जब स्टिचिंग दिखाएंगे तब समझेंगे। अब हम इसकी बेल्ट कट कर लेते हैं। जितनी चौड़ाई हमारी इसकी है इतनी ही, यानी कि बैक 4 इंच चौड़ी कट करेंगे हम बेल्ट को। बैक और फ्रंट की बेल्ट कट चुकी है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है। हमारी जो पैंट है वो कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। कुछ भी अगर आपको समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, अब हम इसकी स्टिचिंग सिखाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। अब हम यहाँ सबसे पहले आसन स्टिच करेंगे बैक और फ्रंट दोनों में। हमने ऐसे रख लेना एक हिस्से को। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ऊपर से हमने
तरीके से और नीचे की तरफ आप कितना होल रखना चाहते हो, 5.5 या 6 इंच का उतने पे निशान लगा लीजिए। हमारा जो मेन साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज इसको बोल सकते हैं, वो 6 इंच का होता है। तो ये छोटा ही साइज है इसलिए हमने 5.5 पे निशान लगाया। अब हमने सिलाई लगानी है यहाँ से ऐसे करते हुए और इस तरीके से और फिर वापस इस तरीके से उतार दे, तो हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है ये। इस तरीके से अब जैसे हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली, यहाँ पे हम कट लगाएंगे जो हमारे कॉर्नर है, अंदर की तरफ कट लगाने हैं हमने, दोनों तरफ अंदर की तरफ कॉर्नर में कट लगाने इस तरीके से। आप कई बार क्या करते हो, बाहर की तरफ कट लगा लेते हो, उसका कोई फायदा नहीं, अंदर की तरफ कट लगाने हैं। अब हमने ये देखोगे आपने कि ऊपर ऊपर वाला एक हिस्सा ही स्टिच किया है। अब हमने इस पॉकेट को ऐसे पलट देना है, एक जो हिस्सा है हमारा वो ओपन है, एक बंद हो गया। अब इसको हम नीचे की तरफ टर्न करेंगे कुछ इस तरीके, और यहाँ से भी इसको सीधा कर लेते। अब हमने ये जो हमारा हिस्सा इसको नीचे कर देते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा जो होल छूटेगा वो हिस्सा रेडी हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ से और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। आप कन्नी पे भी ये सिलाई लगा सकते हो। निशान लगा लिया कि हमने सिलाई लगानी है यहाँ से,
इसको हम हाफ हाफ इंच फैब्रिक को रखते हुए एक्स्ट्रा को कट कर इसके ऊपर ये बेल्ट लगानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे जो हमारा फ्रंट पैनल है। इसको हमने उल्टा करके बेल्ट को भी उल्टा ही रखना है और जो चोक का निशान हमने लगाया है उसके ऊपर से हमने सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से हम ऊंचा करके कट करते हैं, अब इसमें तो इतना ऊंचा नहीं था,
किसी में और ज्यादा ऐसे कट किया हुआ होता है, तो आप उसमें रेप आती है तो आने दो, उसको स्टिच कर लेना, क्योंकि इलास्टिक जब डालोगे तो वो अपने आप ही सेट कर देता है। ये जो हमने निशान लगाए थे उसका ये बेनिफिट है कि यहाँ तक ही हमने फोल्ड दिया है। तो अब हमने इलास्टिक डालना है, तो इलास्टिक हम कैसे डालते हैं वो मेजरमेंट बताते हैं आपको। जिसकी जितनी कमर है, कितनी थी आपकी कमर, बेल्ट यानी कि 32, ओके, तो 32 का हाफ करेंगे हम। जैसे हमारी कमर है 28, उसका हम हाफ करेंगे तो वो हो गया 14 में से हम 4 इंच माइनस कर तो हो गया 10 इंच, तो हम 10 इंच का ही इलास्टिक डाले, तो हम 11 इंच का इलास्टिक ले लेते हैं क्योंकि कुछ हमारा मार्जिन में भी जाएगा। समझ आ गया सबको कि जिसकी जितनी कमर है उसका हाफ कर लीजिए अगर आपने ओनली बैकपैक में इलास्टिक डालना है तो, और उसके बाद उसमें से 3 या 4 या 5 साइज के हिसाब से, यानी कि कौन कितना टाइट पहनना चाहता है, कौन कितना लूज पहनना चाहता है, आप उतना कम कीजिए, बाकी जो स्टैंडर्ड साइज होता है हम वो 4 ही कम करते हैं। तो यहाँ से जैसे एक दूसरा मेथड है, जितना हमारा ये पेंट का हम बैक हिस्सा लेते हैं, एक साइड का वो हिस्सा चेक कर लीजिए, उतना ही इलास्टिक ले लीजिए, ये भी सही रहता है मेथड, बाकी ज्यादा बेटर वो रहता है, उसमें कमी ही नहीं आती। तो इस तरीके से आप जैसे कि 11 यहाँ पे आया है, 11 ही हम वैसे लेंगे, तो 11 का इलास्टिक डालेंगे हम इसमें। उसमें हम पूरी जितनी हमारी कमर है उसमें से 4 इंच माइनस कर, इसको हम सेफ्टी पिन की हेल्प से डालेंगे। आप साथ के साथ भी इसको फोल्ड कर सकते हो इलास्टिक के साथ के साथ, बाकी ज्यादा फिनिशिंग इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे हम सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं पहले ताकि हमारा इलास्टिक आगे ना निकल जाए। अब हम पूरे में डाल लें। अब इसको सीधे करते हुए यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेते हैं। एक बार इसको खींच के बिल्कुल इक्वल कर लेंगे सब जगह, और इस तरीके से सीधी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल नीचे तक। जब हम पॉकेट के साइड से सिलाई लगाएं, हमने पॉकेट को यहाँ से हल्का सा ऐसे खींच लेना ताकि हमारा जो होल हमने छोटा है वो ना दब जाए। वाली सिलाई
हम यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट कर देते हैं। पहले मोहरी फोल्ड करेंगे इसकी यहाँ पे इस तरीके से। अगर आप गुम करना चाहते हो मोहरी को तो आप इस तरीके से सिलाई लगाओगे, यानी कि यहाँ से पहले कितनी आपने मोहरी रखनी है उतनी पे निशान लगा के सीधी सिलाई लगा दीजिए, उसके बाद अंदर फोल्ड कर लीजिए। बाकी हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, एक बार ये बिल्कुल ही सिंपल सिखा रहे हैं आपको। यहाँ से एक बार आपने भी बिल्कुल ट्राई करनी है कि सिल के